एक बार की बात है, एक जंगल में चार जानवर थे जो बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक हिरन, एक कछुआ, एक चूहा और एक कठफोड़वा। गहरे जंगल में रहते थे वे चारों। वे अच्छे मित्र थे, उन्हें कभी अलग देखा नहीं गया। वे तालाब के किनारे बातचीत करते हुए या खेलते हुए बहुत सारा समय व्यतीत करते थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और पानी के पास झाड़ियों के पीछे चारा रख दिया। हिरन उस समय तालाब से बाहर आ रहा था। वह सीधे जाल में चला गया और उसमें फंस गया। वह पीड़ा से चिल्ला रहा था, मुझे पकड़ लिया गया है। हिरन चिल्ला कर अपने दोस्तों को बुला रहा था, कृपया मेरी सहायता के लिए आओ। मदद के लिए उसकी चीख सुनकर कठफोड़वा और कछुआ उसकी मदद के लिए दौड़े। जब उन्होंने जाल देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने तुरंत एक रणनीति तैयार की। एक कछुआ पड़ोस के बिल में गया और चूहे को ले आया। चूहा और कछुआ जाल को तोड़ने लगे। इसी बीच कठफोड़वा शिकारी के तंबू की ओर चला गया। शिकारी अभी अभी अपने डेरे से बाहर निकल रहा था। उसने हिरन की चीख सुन ली थी और उसे पकड़ने के लिए वह उत्सुक हो रहा था। कठफोड़वा तुरंत प्रतिक्रिया करने लगा और उसके सर पे जाके बैठ गया। कठफोड़वा ने शिकारी को इतनी जोर से चोंच मारी कि वह दर्द से चिल्लाने लगा और आराम करने के लिए अपने तंबू में लौट आया। कठफोड़वे का लक्ष्य हासिल हो गया। वह हिरन के पास लौट आया। उस समय तक चूहा और कछुआ जाल तोड़ और ढीला कर चुके थे और हिरन छूट गया था। उन्होंने गले मिलकर जरूरत के समय एक दूसरे के साथ देने की शपथ ली। चारों दोस्त एक हो गए और एक बार फिर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है। हमेशा अपनी और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहे। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हिंदी किडो फैंसी टीवी को सब्सक्राइब करें।